Hollywood Code. Hey guys, so welcome to another episode of Audacity, and today we have with us is my number one and very talented girl and she's an amazing content creator. Welcome Ashna. थैंक यू सो मच. आपने ये टाइम निकाला मेरे साथ दोबारा शूट करने के लिए जबकि हम एक बार ऑलरेडी कर चुके थे शूट पहले. मक्खी आ गई थी मेरी एंट्री पे, बट नेवर माइंड. मींस अ लॉट यार. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल इंट्रो. यू डिजर्व इट. एंड मैं ये कहता हूँ, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हाउ वाज योर ट्रिप? ओह माय गॉड. हाँ, मैं फॉर दोज ऑफ यू दैट डोंट नो, आई जस्ट गॉट बैक फ्रॉम अ मंथ लॉन्ग ट्रिप. It's the longest trip I've taken in my entire life by myself. Like, I've always in general bhi longest trip hai, but I usually travel with either my friends or my family. And ye pehli baar tha jab main akele travel kar rahi thi, to baar baar remind karna pad raha tha, passport nahi bhulna yahan pe, ye utha lena, ye kar lena, koi nahi hai yahan pe remind karne ke liye. But apart from that, bahut maza aaya mujhe. वो होता है ना, एक ऐसे बीच बीच में मोमेंट्स होते थे कि मैं और क्लाइंट गए थे तो हम बीच बीच में ऐसे होते थे कि बिलीव नहीं हो रहा है हम यहाँ पे हैं. कोई बीच पे चले गए तो ये पानी कितना अलग है, हम यहाँ कैसे हैं, ये क्या हो रहा है. बीच में बहुत सारे मोमेंट्स थे ऐसे जहाँ मैं रियलाइज होता था मुझे कि ये सब रियल है. एंड मतलब रियल भी है और अनरियल भी लगता था. मतलब तेरे को रियलाइज होता है कि तूने अचीव करा है सब, एंड तू अपने हार्ड वर्क की वजह से यहाँ पे है, जो कि बहुत अच्छी बात है. ऐसा इसको मैं मतलब इस तरीके से मैं देखता हूँ इस चीज को वैसा. काइंड ऑफ हाँ. बट एक और एक ऐसा कि पता नहीं चला ना वैसे कि हो गए 34 days, इतनी जल्दी जल्दी से चले गए वैसा. मतलब मेरे को था स्टार्टिंग में बहुत लग रहा था कि यार इतने दिन, पर फिर जब एक हमारा रूटीन बन गया बात करने का हो चाहे या फिर किसी भी तरीके का हो वैसा, तो फिर हमें लगा कि अब तो टाइम निकल ही जाएगा फटफट वैसा. तो हाँ, बिकॉज जब मैंने स्टार्ट में डिसाइड किया था, मैंने बोला हाँ 1 month तो चाहिए होगा. फिर जब मैं एयरपोर्ट जा रही थी, मैंने बोला 1 month क्यों डिसाइड किया मैंने, मतलब बहुत ही लंबा टाइम है ये. बट फिर अब मैं जब वापस आई हूँ, मुझे लग रहा है बहुत जल्दी चला गया टाइम. कभी कभी स्लो था बट ओवरऑल बहुत जल्दी गया. यू आर बैक. तो चलते हैं पीछे की तरफ. तो तू बोर्डिंग स्कूल में थी ना? हाँ. अब तू देख ले कहाँ से कहाँ ले गया मैं तो एकदम से. हाँ भाई, मैं सोच रही हूँ क्या हो गया. बट ठीक है, बोर्डिंग स्कूल में थी मैं. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? जैसे मैं तो नहीं था कभी, तो मेरे को पता भी नहीं कैसा है. एक्चुअली ये टॉपिक रिलेट होते हैं दोनों, बिकॉज जब मैं गई हूँ एले और मैं अकेले गई हूँ और हमने एक Airbnb रेंट किया था, मुझे ऑनेस्टली लगा है कि मैं वापस बोर्डिंग स्कूल में गई हूँ, क्योंकि सब कुछ खुद करना था. वो तो चल पार्ट ऑफ बीइंग एन एडल्ट है, बट मैं वो इन द सेंस के बहुत टाइम बाद ऐसा था कि मैं एकदम ही बाय माई सेल्फ हूँ. क्योंकि यूजुअली जब घर पे भी रहती हूँ, मेरे पास है अभी खुशी, ये सब, इन सब से बात करने के लिए एवरी टाइम, और मैं बहुत यूज टू हूँ अराउंड लोगों के रहना. तो ये पहली बार था सिंस बोर्डिंग स्कूल कि मैं बाय माई सेल्फ, अपने लोगों से दूर हूँ थोड़ा वैसा. हाँ, like on my own हूँ. तो ये मुझे याद दिलाया था जब मैं वहाँ पहुँची थी. I was like shit, ये सेम एग्जैक्ट फीलिंग है जब मैं स्कूल जाती थी, but also different in a lot of ways. जैसे कोई कभी बोर्डिंग स्कूल नहीं गया है और सिर्फ उन्होंने देखा है सुना ही है, तो उनके लिए क्या मतलब तेरा एक्सपीरियंस क्या था? तो लाइक ऑल द अदर किड्स बोलूंगी मैं, क्योंकि हम सब ने बोर्डिंग स्कूल की धमकी बचपन में ही सुनी है. लाइक ऑल द किड्स, मैं भी बहुत टेरिफाइड थी. एंड आई थिंक मैं बहुत ही गुड किड थी, लाइक टॉप रैंकर ये वो, जब तक मेरी मॉम इंचार्ज थी ऑफ माय स्टडीज. जब मैं खुद से करने लग गई बोर्डिंग स्कूल में, तब नॉट सो मच, बट तब तक मैं टॉप रैंकर थी, गुड स्टूडेंट ये वो. तो मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस था मैं कभी नहीं जाने वाली हूँ बोर्डिंग स्कूल, क्योंकि मैंने किया ही नहीं है कुछ वैसा. मैंने कुछ गलत ही नहीं किया तो मुझे क्यों भेजेंगे घर वाले? क्योंकि हमेशा वही था ना कि कुछ गलत करोगे, ऐसे करोगे तो हॉस्टल में डाल देंगे तुझे वैसा. तो मुझे मिली है धमकी, बट मैं खुद के बिहेवियर पे बहुत कॉन्फिडेंट थी. फिर लाइफ ने अलग ही वो टर्न लिया है. तो उसके बाद मैं एक दिन उठी और मुझे वो कॉन्वर्सेशन इतना क्लियरली याद है अभी भी. मैं और मम्मी ऐसे लेटे हैं सुबह, मेरे को स्कूल नहीं था, पता नहीं क्या मैं थी घर पे. मेरी मॉम मुझे बोलती है कि क्योंकि उस टाइम पे हमारा सिचुएशन वैसा था नहीं कि मैनेज हो पाए सब कुछ, तो
उनको लगा बेस्ट डिसीजन यही है कि मैं डिसीजन क्यों बोला मैं समझ कि मैं बोर्डिंग स्कूल चली जाऊँ. तो उन्होंने मुझे बोला है कि मुझे तुमसे पूछना था कि विल यू गो टू अ बोर्डिंग स्कूल एंड स्टडी देयर. और मेरा एक फैमिली फ्रेंड था जो वो स्कूल में था, तो उनको लगा कि एटलीस्ट मेरे पास कंपनी है, मैं कम्प्लीटली अकेले नहीं रहने वाली हूँ. तो मैं तो रोने लग गई. मैंने बोला मैंने कुछ किया ही नहीं है, पर आप मुझे क्यों भेज रहे हो. तो उन्होंने बोला अरे उसकी उसकी वो नहीं है कि कुछ किया नहीं किया, इट्स अबाउट हैंडलिंग थिंग्स अभी घर पे और वो नहीं हो पा रहा है, तो आई थिंक बेस्ट यही है. तो उन्होंने बोला प्लीज़ आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं ऐसे कुछ मेरे बस में होता, मेरे कंट्रोल में होता तो मैं नहीं चाहती भेजना, बट है वैसा अब. तो मैंने बोला ओके. और फिर एग्जैक्ट सेम तारे ज़मीन पर वाला सीन था जो छोड़ के जाता है वो. और मैं ऐसे पीछे देख रही थी मेरी मॉम को, मेरी मॉम टर्न ही नहीं हुई है एंड में गुड बाय बोलने के टाइम पे ना. मेरी नानी 10 बार टर्न हुई है, जिनसे मेरी बनती भी नहीं थी तब, मेरी बहुत लड़ाइयाँ होती थी उनसे, वो 10 बार टर्न हुई है. मेरी मम्मी ऐसे ना, उनको पता नहीं क्या उनको था कि मैं टर्न हो गई, उसको देख लिया रोते हुए तो मैं वापस ले लूंगी उसको घर. मैं मतलब मेरा आर्ग्यूमेंट क्या था पता है, लास्ट डे पे जब वो ड्रॉप करना है मुझे स्कूल, मैं बोला एक दिन और घर लेके जाओ मुझे, बस मैं कल आ जाऊंगी यहाँ पे. पता नहीं क्या आर्ग्यूमेंट था, बट मैं बोला एक दिन और, मैं पता नहीं क्या करती वो एक दिन में, बट मैं बोला कल कल ड्रॉप कर दो, मैं पक्का नहीं रहूंगी आज, मैं ड्रॉप कर छोड़ के चले गए मुझे. और फिर मैं एक साल 5th standard पूरा एक साल मैं बस रोई हूँ कि मुझे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है. और फिर मैंने धीरे धीरे फ्रेंड्स बनाए, मैं वो रूटीन थोड़ा अडेप्ट करने लग गई, वहाँ की लाइफस्टाइल थोड़ा यूज टू हो गई मैं, फिर मेरे फ्रेंड्स बन गए. आई थिंक बोर्डिंग स्कूल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट फ्रेंड्स है. फ्रेंड्स अगर नहीं इन लाइफ ऑल्सो, बट बोर्डिंग स्कूल जब फैमिली नहीं है साथ में और आप पूरा सब कुछ साथ में कर रहे हो, स्कूल भी साथ जा रहे हो, खाना भी साथ में खा रहे हो, फिर आपका डॉर्म रूम भी सेम है, उसी में आप सोते हो, ये वो होमवर्क साथ में करते हो सब कुछ, तो फ्रेंड्स होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड फिर मेरे जब फ्रेंड्स बन गए एंड सेम टाइम पे घर पे सिचुएशन थोड़ी 2-3 साल बाद बेटर होने लग गई, मम्मी ने बोला कि ठीक है तुझे घर आना है तो मैं निकाल दूंगी तुझे स्कूल से. मैं बोला अब मुझे नहीं आना है वापस, अब मैं यहीं की हूँ, अब मैं आपके आपके लिए विजिटर हूँ, अब मैं यहाँ पढ़ूंगी, यहाँ करूँगी, ये मेरी फैमिली है, आपको मैं विजिट करूँगी एवरी समर हॉलीडेज और व्हाटएवर. तो आई थिंक मैं ग्रो हुई उस एनवायरनमेंट में, लाइक अडेप्ट करते करते, और मुझे बहुत मजा आया, बहुत 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 ज़्यादा. आई थिंक मैं थोड़ी इंडिपेंडेंट भी उस रीजन से ही हुई हूँ. वही मतलब मैं बोलना था कि इंडिपेंडेंट फील होगा बहुत ज़्यादा, उस टाइम पे मन नहीं कराओगे अब मैं अब यहीं पे ठीक हूँ, ऐसा मैंने एनवायरनमेंट से मैं फैमिलियर हो गई हूँ तो मुझे यहीं रहना है, वैसा वो फीलिंग तो आई हुई है. प्लस अगेन ऑन योर ओन वाली फीलिंग बहुत आती है वहाँ पे, लाइक फैमिली नहीं है बात करने के लिए, कुछ एडवाइस चाहिए तो भी खुद से सोचना चाहिए, और कुछ लड़ाई हुई है किसी से, मेरे फ्रेंड से भी लड़ाई होती थी तो मुझे खुद ही फिगर आउट करना पड़ता था कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि मुझे फोन कॉल्स मिलते थे घर पे बात करने, बट वो वंस इन अ वीक होता था. टफ हो गया यार बहुत ज्यादा. सो फिर तूने वहां से आई यहाँ पे आके, फिर उससे पहले तूने मतलब क्या करा स्टार्टिंग में? मुझे तो पता है पर क्या पता लोगों को नहीं पता हो, इन द सेंस व्हाट वाज योर फर्स्ट वर्क, मतलब यहाँ पे आके, नहीं बोर्डिंग स्कूल से आने के बाद थोड़े टाइम बाद तेरा फर्स्ट प्रोफेशनल काम क्या था? बोर्डिंग स्कूल से आते ही मैं बहुत स्ट्रांगली डिसाइड करके आई थी कि मुझे एक्टिंग करना है. बहुत स्ट्रांगली, मतलब 6th-7th standard से ही मुझे वो भूत चढ़ा था और मैं फुल बॉलीवुड डीवा बन के अपने डॉर्म में डांस करती थी पूरा टाइम ऑन बॉलीवुड सॉन्ग्स प्रिपेयरिंग फॉर माय डेब्यू रोल. तो मैं प्रिपेयर्ड थी कि मुझे एक्टिंग ही करना है और मुझे और कुछ नहीं पता. तो आई थिंक मैं उसी कॉन्फिडेंस में मैंने पढ़ाई पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने मुझे पढ़ाई कहाँ करना है, आगे जाके एक्टिंग करनी है मुझे. तो मैं फिर आके मैंने सोचा कि मैं कॉलेज जूनियर कॉलेज नहीं जाऊँगी, मैं क्या बोलते हैं उसको, आओ दिल्ली में तो ओपन स्कूल बोलते हैं वैसा. हाँ, है वैसा ओपन स्कूल. हाँ. नहीं यार उसका कुछ टर्म है, कॉरेस्पोंडेंस. हाँ. मैं सबको बोलती थी तो सब बोलते थे हैं वो क्या है कॉरेस्पोंडेंस, वही सेम मतलब है कॉरेस्पोंडेंस. तब मैं वो करती थी और मैं एक्टिंग स्कूल चली गई. फिर मैंने एक्टिंग स्कूल छोड़ दिया और मैंने बोला मुझे सेट पे जाके काम करना है, मुझे एक्चुअल सीखना है, क्योंकि मेरे स्कूल में बस
वो मेन मेन थियोरी बहुत ज्यादा हो रही थी। मैं भी एक्टिंग स्कूल में था तो मुझे पता है कि तू क्या बोलना चाह रही है कि वो सुपर ऊपर बात भी हुई है इस बारे में, बट उसमें थियोरी पे बहुत फोकस किया था एंड होता था मतलब एक्सरसाइजेज एंड वर्कशॉप्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट अ लॉट ऑफ टाइम मेरा गया है बस इन सिटिंग एंड वेटिंग। कभी ओवर टाइम मतलब ड्यूरिंग माई कोर्स ओनली उनकी क्या बोलते हैं स्टाफ प्रॉब्लम्स थी, पता नहीं क्या था, और हम बस बैठे रहते थे, तो मैंने छोड़ दिया स्कूल एंड आई वाज लाइक मुझे प्रैक्टिकल प्रॉपर सीखना है बीइंग ऑन सेट। तो मेरी मॉम के कोई फ्रेंड के थ्रू मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बन गई उनके सेट पे और वहाँ पे मैं थोड़ा सीखने लग गई। एंड अगेन वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था बिकॉज मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी टायर्ड कभी नहीं फील की हूँ, सेकेंड इतना कुछ सीखने मिला है, एंड थर्ड हमें पता नहीं लगता है कि एक मूवी बनाने के लिए कितनी चीज़ें लगती हैं या वॉट एवर वी वॉच ऑन टीवी, लाइक अ पीस ऑफ कॉन्टेंट वॉट एवर यू वॉच देर आर सो मेनी थिंग्स दैट गो बिहाइंड मेकिंग इट एंड आई हैव डन एवरीथिंग। आई हैव हैंडल्ड कॉस्ट्यूम्स, आई हैव हैंडल्ड प्रॉप्स, आई हैव डन आई डोंट नो व्हाट एल्स, बट मेरी इतनी फकअप्स भी हुई है जब मैं कर रही थी काम में, कितने वियर्ड एक्टर्स भी मिले हैं जो मतलब अजीब ही टैंट्रम्स होते थे उनके, जो मुझे समझ ही नहीं आता था कि आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, बट मेरा जॉब है ये, आप मेरे को तकलीफ में क्यों डाल रहे हो, मतलब ऐसा होता था कि मुझे फंसा देते थे। तो मैं बोलती थी प्लीज ऐसा मत करो यार, आपको तो कुछ नहीं बोलने वाले मेरे ऊपर मन में मैं ऐसा होती थी, बट बहुत कुछ सीखने मिला है। फिर दैट वॉज माई फर्स्ट जॉब, मेरा फर्स्ट चेक मिला था और मैं बहुत फिल्मी बन के ऐसी थी कि मम्मी को दूंगी मेरा फर्स्ट चेक, क्योंकि मैं इतनी बॉलीवुड थी ना जब मैं मेरी स्कूल और वो लाइफ वो फेज था मेरा, और अब बिल्कुल नहीं है, और अब मैं एकदम ऑपोजिट हूँ उसके, एकदम ऑपोजिट, वेरी प्रैक्टिकल। और उस टाइम पे मेरी पूरी लाइफ बॉलीवुड थी, मेरा हर मैं बैठ के सिनारियोज ड्रीम करती थी और मैं सोचती थी कि ऐसे ही होने वाला है, मेरे फर्स्ट बॉयफ्रेंड ऐसा होगा और मेरी ये रिलेशनशिप ऐसी होगी, और सब कुछ बॉलीवुड बनाया था मैंने। मेरा फर्स्ट चेक भी जब आया था मैंने बोला मैं मम्मी को जाके मेरा फर्स्ट चेक देने वाली हूँ, और मम्मी ने सच में मुझे नहीं पता क्या किया उसका, या तो उन्होंने मेरे ही मुझे ही बोला था कि तुम ही रख लो अपनी सेविंग में, पता नहीं क्या, मैंने बोला ओके। तो फिर कंटेंट क्रिएशन कब आया दिमाग में, कंटेंट क्रिएशन वाली जोन में कब घुसी तू? मेरा एक बहुत ही लॉन्ग, आई थिंक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप्स आई हैव बीन इन, जब वो एंड हुआ है, थैंक गॉड जब वो एंड हुआ है, तब मैं बहुत ही बोर्ड थी क्योंकि फॉर सम रीज़न मैंने सारा काम छोड़ दिया था अपना जब मैं वो रिलेशनशिप में थी, बिकॉज इन जनरल मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी और मेरे से कुछ नहीं होता था तब, कुछ मैं सोच भी नहीं सकती थी कुछ काम करने का क्योंकि मेरे में पता नहीं क्यों एनर्जी नहीं थी। एंड नाउ व्हेन आई लुक बैक आई फील वेरी सैड बिकॉज दोज वर लाइक माय अर्ली 20s एंड आई थिंक आई स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट एट 23। थैंक गॉड मुझ में वो वेकअप कॉल कहीं से तो आया है एंड आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज ऑन म्यूजिकली, बिकॉज तब कोई फ्रेंड तब कुछ फ्रेंड्स थे जो म्यूजिकली पे बनाते थे वीडियोस एंड उन्होंने मुझे बोला कि तू भी ट्राई कर ले, टाइम पास हो जाएगा तेरा भी ये वो, एंड मैंने बस टाइम अपना के दिमाग कहीं तो लगे मेरा कोई ऐसा डाइवर्ट करने के लिए मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था। मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि इससे, बिकॉज उस टाइम पे था नहीं इतना, इतने ग्रैंड स्केल पे तो कंटेंट क्रिएशन बिल्कुल भी नहीं था उस टाइम पे, तो मैं कंटेंट भी नहीं बोलूंगी उसको, मैं बस लिप सिंक वीडियोस एंड टाइम पास वीडियोज ऐसी बनाती थी एंड मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था आउट ऑफ इट, मतलब मैं खुश हो जाती थी अगर उस पर लाइक्स आते थे या कुछ आता था बिकॉज आई वॉज लाइक वाओ। सब जब आप जीरो से स्टार्ट करते हो तो कुछ भी थोड़ा भी आपको अप्रिसिएशन मिलता है तो बहुत खुशी होती है। आई एम हियर टू कंप्लीट यू यार, हां बोल। तो हां क्या बोल रही थी मैं, क्या अप्रिसिएशन मिलती है थोड़ी सी भी तो अच्छा फील होता है वैसा। हाँ तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा बहुत जब लाइक्स फॉलोअर्स मिलने लग गए मैं तो बहुत ही खुश हो गई थी बिकॉज वो एक्सपेक्टेड नहीं था आउट ऑफ दिस, एंड जब वो हुआ भी मैंने उसको भी नहीं एक्सपेक्ट किया कि वो कुछ और में टर्न होगा, लाइक मच बिगर देन व्हाट इट वाज बैक देन, एंड हाँ दैट्स हाउ इट स्टार्टेड।
मैं बोर्ड थी आफ्टर अ ब्रेकअप बट नाउ इन सिंपल वर्ड्स पर अब देख ले कहां पर है आई नो एंड मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि ये बिकॉज मेरे को एक्टिंग करना था एंड फ्रॉम देयर मैं फिर एक्टिंग करने लग गई ऑन म्यूजिकली बिकॉज देयर वर लिप सिंक वीडियोज टू डू सो आई यूज्ड टू आई वॉज वेरी स्केयर्ड टू ऑल एनी वे डू लाइक ओरिजिनल वॉइस में समथिंग लाइक डायलॉग्स और एनी थिंग तो आई टू ऑलवेज लिप सिंक ऑन डायलॉग्स फ्रॉम मूवीज एंड वो ही मैं अपना थोड़ा बहुत ऑडिशन समझ के कर लेती थी छोटे मोटे 15 सेकेंड वीडियोज मेन चीज मतलब फिर एकदम से यूट्यूब कैसे दिमाग में आया कि तो शॉर्ट कंटेंट मतलब शॉर्ट कंटेंट तो था एक साइड पे वो तो था ही पर मेन फिर यूट्यूब का कैसा वो आया कि मेरे को यूट्यूब बनाना चाहिए फिर मेरे को यूट्यूब पे करना चाहिए वैसा तो एक्चुअली मैं यूट्यूब वीडियोस देखती बहुत थी अभी भी देखती है बहुत अभी भी देखती हूँ उतना एक्चुअली उतना नहीं देखती मैं जितना पहले देखती थी मैं बहुत सारे वीडियोज देखती थी एंड देयर वर 2-3 क्रिएटर्स दैट आई यूज्ड टू फॉलो एंड इट वॉज थ्रू देम दैट आई रियलाइज के वो ऐसा भी कुछ कर रहे हैं लोग वेर दे शेयर थिंग्स अबाउट देयर लाइफ दे व्लॉग एंड मेक फन वीडियोज विद देयर फ्रेंड्स एंड पीपल एन्जॉय इट एंड दैट लीड्स टू अपॉर्चुनिटीज एंड जस्ट अ बिगर बिगर पिक्चर बिगर या तो तब मुझे वो था कि यार यूट्यूब भी कर सकते हैं जब मैं वो डिप्रेस्ड फेज में थी मेरे लाइफ में तो हमेशा से मेरा गोल यूट्यूब ही था इट वॉज नेवर शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट इट वॉज ऑलवेज लॉन्ग फॉर्म बिकॉज आई पर्सनली एन्जॉय वॉचिंग लॉन्ग फॉर्म ज़्यादा कंपेयर टू शॉर्ट फॉर्म बट रील्स में आप वो है कि आप वो फंस जाते हो एक लूप में स्क्रोल करने वाले बट मुझे लॉन्ग फॉर्म हमेशा मोर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव कुछ तो आप सीख जाते हो किसी तो कोई रैंडम ब्लॉग भी देख रहे हो अगर किसी तो का तो कुछ तो मिल जाता है उससे और वो स्टे कर जाता है आपके साथ तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था उसके बारे में एंड व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आई रियलाइज दैट आई कांट जस्ट स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल आई न्यू दैट अगर मैं वीडियोज बना रही हूँ तो उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए उसको रीच मिलनी चाहिए लोगों को एंड जब मुझे कोई फॉलो ही नहीं करता तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का मतलब नहीं है तो मैं वेट की एंड आई थॉट ऑफ दैट बीइंग अ मीडियम लाइक यूजिंग माय ऑडियंस ऑन क्या बोलते हैं म्यूजिकली एंड टिकटॉक व्हेन आई स्टार्टेड गेनिंग फॉलोअर्स आई थॉट स्लोली आई कैन देन स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल एंड देन मे बी उनको वो चीज़ में भी इंटरेस्ट आएगी एंड वो ऑडियंस डिविएट लाइक फ्रॉम म्यूजिकली टू इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम टू यूट्यूब ऐसा पूरा हाँ तो वो एक टाइम पे तो पूरा चेन ही बन गया था लाइक हाँ ये तो क्रॉस प्रमोशन का सीन तो फिर स्नैपचैट पे भी फॉलो करते हैं फिर स्नैपचैट से यूट्यूब भी देखते हैं आई थिंक इन जनरल इट्स जस्ट लोगों की क्यूरियोसिटी के ओ ये अगर ऐसे रील्स पे दिखती है तो ये बात कैसे करती है इसका स्किन सबका फर्स्ट तो वही है इसका स्किन केयर या मेकअप रूटीन क्या है या वो क्या है ये क्या है बट मैं ऑनेस्टली मुझे मेकअप के बारे में जितना पता है मुझे बालों के बारे में जितना पता है जो भी मुझे होम डेकोर ये वो जो भी पता है मुझे मैंने सब यूट्यूब से सीखा है तो इसलिए मुझे वो बहुत ही अलग वर्ल्ड लगती है कि इतना कुछ होता है वहाँ पे एंड क्रिएटर्स के लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज होती है तो आई थिंक वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ था टू बी अ यूट्यूबर इस बात से तो मैं टोटली सोचता हूँ कि यूट्यूब सच में बहुत सिखाया था यार जैसे तूने बोला अभी कि यूट्यूब का ये तो है कि तुम बहुत कम मतलब कुछ भी रैंडम कुछ भी चीज़ उठा के देख लो और कुछ चीज दिमाग में रह जाएगी और फिर तुम्हें वो चीज याद ही रहेगी हमेशा वैसा हाँ. तो वो तो बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल है मेरे लिए एंड आई थिंक टू वॉच थिंग्स दैट आर गोइंग टू बेनिफिट यू आई फील मेरे को बहुत मैं हमेशा से वो सोचती थी कि द टाइप ऑफ कंटेंट यू व्यू सेज अ लॉट अबाउट यू मतलब yes. आप कैसा टाइप का totally, देख रहे हो totally. उसके ऊपर भी बहुत वो होता है मैं कुछ वो नहीं हूँ बहुत ही एजुकेशनल वीडियोज या वैसा कुछ देख रही हूँ बट जस्ट थिंग्स दैट हेल्प यू और द टाइप ऑफ वर्क यू डू उस टाइप का वीडियोज देखना इज मोर बेनिफिशियल द मोर यू नो अबाउट पीपल द बेटर यू आर विद पीपल ऐसा सीन होता है ना कि तुम जितना और लोगों के बारे में जानोगे तो जो तुम्हारे आसपास है तुम वो तुम्हें उतना ही अच्छा समझेंगे तुम उतना ही बेटर तरीके से उनके साथ रह पाओगे वैसा तो ये तो बहुत मतलब यूट्यूब सच में इस वे में तो बहुत हेल्प करता है ये तो है ही तो मेरे को ये बता कि फर्स्ट इंप्रेशन वगैरह वो सब तो मैं बोलूंगा नहीं वो तो बेकार ही था वो तो बुरा ही होगा मेरे को लगता है
बट अगर देखो मेरे बारे में, अगर तेरे को डिस्क्राइब, हाँ मतलब नहीं वही पूछ ना, फर्स्ट इम्प्रेशन पूछ, डिस्क्राइब करना पड़े पहले, फर्स्ट इम्प्रेशन पूछ ना. हाँ तो स्टार्ट से लेके अब तक डिस्क्राइब कर दे मेरे को थोड़ा टाइमलाइन के हिसाब से. तो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन, मैं एडी को मिली थी ऋषभ के बर्थडे पे, बट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था एडी. सच बताऊँ तो मतलब मुझे बहुत वैसा था कि पता नहीं कौन है ये ऋषभ का फ्रेंड, क्योंकि मैं खुद भी पहली बार मिल रही थी. मतलब ऋषभ को तो मैं फिर भी थोड़ा जानती थी, बट मैं बहुत ऐसी थी कि पता नहीं कौन है ये, क्या है ऐसा. और फिर उसके बाद हम मिले नहीं, उसके बाद हम थोड़ा बहुत जब ये बॉम्बे शिफ्ट हुए उसके बाद मिलने लग गए, तो तभी भी मेरे को थोड़ा टाइम लगा टू वार्म अप एंड स्टार्ट टॉकिंग. क्योंकि ऋषभ बहुत ऐसा था, हंसी मजाक है वो तो मेरा, उससे तो ऐसी बातचीत हो जाए. ऋषभ का तो सब ऐसे ही रहते हैं ना, क्योंकि वो हंसी मजाक वाला ही है मतलब उसके. हाँ, साथ तो कोई उससे बहुत इजीली फ्रेंडशिप हो गई थी मेरी, एंड बहुत ही कार्टून लगा था मुझे वो, तो अभी भी लगता है मुझे. बट वही मेरे को इतना हंसाता था वो कि मेरे को बहुत जल्दी जल्दी मैं जलप हो गई ऋषभ से. और तेरे साथ आई थिंक थोड़ा टाइम लगा मुझे, बिकॉज तू भी इतना क्या बोलते हैं, फट से फ्रेंड्स नहीं होता, तुझे भी टाइम लगता है टू ओपन अप एंड टॉक टू पीपल ये वो. एंड फिर आई थिंक हम जब ये लोग बॉम्बे शिफ्ट हो गए और तुम सब एक घर में रहने लग गए थे, रूममेट्स हो गए थे, तब हम बहुत ज़्यादा मिलने लग गए. तो आई थिंक तब थोड़ी थोड़ी मेरी बातचीत होने लग गई, फिर हम डिसेंट वो थे, मतलब इतने भी क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे बट बातचीत होती थी. हाँ, मतलब मिलते रोज ही मिलते थे. हाँ, एक तरह से वैसा. फिर हाँ. एक बार हम बैठ के जब अपने पास्ट के बारे में ऐसे शेयर कर रहे थे, तो हमारे बहुत सिमिलैरिटीज निकले थे कि ओशन मेरा भी ऐसा था रिलेशनशिप, और मेरा भी ऐसा था, बहुत सिमिलर था. उसके बाद हम थोड़े और आई थिंक ओवर टाइम, बहुत टाइम से हम फ्रेंड्स हैं यार, तो बहुत लंबे. हाँ, मतलब मेरे को फिर मैं कंप्लीट करता हूँ ना, फिर मेरे को याद है लॉकडाउन वाला फेज जब हम बहुत बात करते थे. हाँ, फिर उसके बाद ये तो था ही कि हाँ मतलब मेरे को तो, मेरे लिए तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी बहुत पहले ही, पर इसके लिए मुझे पता नहीं ऐसा. ऐसे मुझे कोई टाइम फ्रेम याद नहीं है, मुझे बस पता था कि हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और बहुत ऐसे मतलब एक तरह से इन एंड आउट पता है हमें चीजें एक दूसरे के बारे में वैसा उस फ्रेम. हाँ, और बहुत कंफर्टेबल थे हम बात करने में, एक दूसरे से शेयर करने में. तो जब ट्रिप्स विप्स भी जाते थे हम बहुत चिल करते थे. तो एग्जैक्ट ऐसा कोई टाइमलाइन नहीं है कि ये टाइम पे तो बेस्ट फ्रेंड बना है या क्लोज फ्रेंड बना मतलब है जो भी है, बट ओवर टाइम आई फील हमारा बहुत क्लोज हो गए थे हम. अभी मैं कैसा लगता हूँ तुझे? अभी मतलब बेरेबल. अभी ठीक ठाक है. मतलब मेरे पॉडकास्ट पे आके मेरी एक तारीफ नहीं करी है इसने अभी तक. आदित्य कुमार बहुत ही अच्छे लड़के हैं, उनकी हाइट 5 समथिंग है, बट मुझे बहुत शॉर्ट लगते हैं. तुझे लगा बता रही हूँ. सो व्हाट इज योर आइडिया ऑफ अ परफेक्ट डेट? मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जैसे जैसे बड़ी होती जा रही हूँ उतना ही मेरा मन करता है मैं घर पे रहूँ, लोगों से ना ही मिलूँ. पता नहीं क्यों मुझे बस घर पे रहना है, ऐसे ही मजा आता है मुझे लाइफ में. को भी वैसे देखा जाए तो कभी कभी ऐसा होता है मैं 6 दिन तक घर से बाहर नहीं निकली हूँ. मुझे याद आता है ओ लिफ्ट तक तो जाऊँ मैं, थोड़ा तो मुझे कोशिश करना पड़ेगा. बट हाँ, मेरा परफेक्ट डेट यही होगा, घर पे वॉच समथिंग, चिल, ईट फूड. तो मुझे बहुत मजा आता है. एवरी नाइट इज डेट नाइट है ना, देखा कितना लकी है. वैसे ये भी यार लगी तो मैं बहुत हूँ. मेरे लिए कुछ सेटअप पूरा वो बता नहीं रहा हूँ, बस मेरे लिए उसमें जो मेन 3 चीज़ें वो है, एक तो ड्राइव होनी चाहिए, मतलब एक ड्राइव ऐसे गाड़ी में, और थोड़ा मतलब थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो अच्छा है, गाने वाने हम अच्छे अपनी मर्जी के चल रहे हो वैसा वो, और बस एक ड्राइव पे वैसा. और या फिर ये है, और फिर उसके बाद वो कंटिन्यू टू वो जो अपना चल रहा था नेटफ्लिक्स एंड चिल वाला. बट इसके अलावा अगर है तो फिर मेरा पूरा रेडी वेडी होके जाने वाला, मतलब ऐसे रेडी होके हम कहीं शांत सी जगह पे गए हैं वैसा. वंस इन अ व्हाइल मुझे भी पसंद है, वंस इन अ व्हाइल नहीं मतलब महीने में एक बार. बट तो मेरा आइडियल नहीं है वो. आइडियल तो मेरा भी नेटफ्लिक्स एंड चिल ही है, मतलब ऐसा आराम से घर पे खाना वाना मंगाना या फिर मतलब फन तो उसी में है यार. ये तो पजामास पहन के ये तो है
आई टोटली अग्री, मैं तेरे जैसा बन गया यार, उसका मैं तेरे जैसा बन हाईलाइट गया पता है हूँ। क्या है मेरे लिए, कि मुझे फिर घर आके मेकअप नहीं निकालना है, इसलिए मैं अपने प्रोज वे करके डिसीजन बनाती व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस यू हैव एवर रिसीव्ड? हूँ। ऐसे मुझे पर्सनली नहीं दिया है रियाना ने, बट उसने बोला था कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करूँगी बहुत गंदा लगेगा, बट उसने बोला था दैट पीपल विल टॉक इफ यू आर डूइंग बैड और गुड। तो आई डोंट नो अगर वो दैट्स कोई वेरी गाने का एक्यूरेट लिरिक है, एक्यूरेट आई थिंक सो, बट वो मेरे ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ गाने सुन के फिर एक लाइन स्टिक हो जाती है दिमाग में, तो उसने कोई इसमें नहीं बोला था, वो एक गाने का लिरिक है उसका, बट आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा ट्रू है, क्योंकि आप जो भी करो, आप अच्छा करो आप बुरा करो, लोग बात करने वाले हैं, एंड वो भी होता है, एंड एक और जो सब बोलते हैं कि सुनो सबकी बट अपनी करना फिर एंड में, तो वो भी मुझे आई थिंक मैं ये दो चीज़ें हैं जो मैं एक्चुअली अप्लाई करती हूँ लाइफ में, बाकी तो एडवाइस सब देते हैं, बट ये दो चीज़ें हैं जो मैं एक्चुअली अप्लाई करती हूँ, कि मुझे पता है कि आप अच्छा करो बुरा करो लोग बात ही करने वाले हैं, जो भी करो आप बात करने वाले हैं, तो आप अपनी मर्जी की करो ना, फिर वो तो है। वो तो करने ही वाले हैं। रियाना से पहले किसी ने और भी, मतलब कोई हिंदी में भी तो बोलते हैं लोगों का काम है कहना, ऐसा कुछ तो एक हाँ और भी है ना। ओ हाँ हाँ कुछ तो फिर ये तो वही फिर बहुत रियाना ने यूनिवर्सल, ये चोरी किया है यूनिवर्सल फिर, है, एक कोई चीचा पहले बोल के गए हैं ये, मतलब। बट तो क्या पता रियाना ने रियाना उनसे रियाना सुना ने है आई सुना सुना थिंक। होगा, वो तो बेचारी अपने लिए अपने आप के लिए बोल रही होगी ना वैसा। अरे तो डिफेंड कर रहे हैं कैसी, सच मतलब में हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते मैं यार। इल्जाम नहीं लगा रही, कल को रियाना को बुलाऊं मैं अपने शो पे तो। बट हाँ एक्चुअली ये हिंदी में भी तो बोलते ही हैं, हाँ मेरे को वैसा पता नहीं रियाना की बात क्यों स्टिक की स्ट्राइक है, तूने सुना होगा ना उसे बट में। हाँ वैसा हमारी ऑडियंस को पता है कितनी छोटी है एंड उनकी क्या एज चल है, टीनेजर्स हैं थोड़े एज कॉलेज। ब्रैकेट बोल रहा हाँ है। मतलब ऐसा तेरे को उनकी पता है ना क्या है, तो उनके लिए क्या एडवाइस होगा, रिलेशनशिप एडवाइस अगर उनको देना हो तो क्या, मतलब तेरे तू देना चाहेगी उन्हें एडवाइस? मेरी तो एडवाइस होगी कि डेट ही मत करो जो कि बहुत गंदी एडवाइस है, बिकॉज सबको डेट करना है उस टाइम पे, आप एक्साइटेड हो बहुत, बट आई थिंक फॉर अ गर्ल, बिकॉज मैं वैसी थी, मैं बहुत ट्राई करती थी टू प्लीज द पर्सन जिस पे मुझे क्रश है, मतलब टू द एक्सटेंट के वो मुझे लाइक करने लगे इन अ वे, कि आप वो कुछ कुछ चीज़ें करते हो जहाँ पे आप ट्राई करवाओ उनको कि वो आपको पसंद करे, आई थिंक वो नहीं करना चाहिए। वो एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लेना चाहिए। हाँ बिकॉज उस चीज़ के लिए आप कभी कभी बहुत कुछ ऐसा करते हो जो आप हो नहीं, मतलब आप कोई और बनने की कोशिश करते हो टू प्लीज दैट पर्सन, अगर आपको मतलब बहुत बेसिक स्टुपिड सा एग्जाम्पल है कि अगर उसको ये गेम या ये स्पोर्ट पसंद है और मेरा कोई लेना देना ही नहीं है वो स्पोर्ट्स से, मैं प्रिटेंड करूँगी वो लाइक करने जस्ट बिकॉज मुझे पता है कि उनको पसंद है या वो मेरे को अटेंशन मिलेगा थोड़ा सा उसमें, डोंट प्रिटेंड टू लाइक समथिंग और डू समथिंग बिकॉज द अदर पर्सन लाइक्स इट, फिर बाद में पता नहीं मुझे क्या होता है, बट ऐसे ही है ना, उस टाइम में बच्चों का थोड़ा शैलो दिमाग होता है ना, बट तो यही थोड़ा बहुत कॉमन है इन दैट एज इन दैट फेज। शैलो तरीके से सोचते हैं ना सब बच्चे, तो वही करेंगे जो ऊपर ऊपर से अच्छा लगता है देख के वैसे करने में। टाइम हाँ पे नहीं इतना नहीं समझ आता है, फिर जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो फिर यही होता है, बी योर सेल्फ डू यू, बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइक कम्युनिकेट करना हमेशा, अगर एंड एंड बहुत सारे इमोशंस बहुत हद तक वैलिड हैं एक रिलेशनशिप में, लाइक इनसिक्योर फील करना या लॉस्ट फील करना, या और भी है कि कभी कभी आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कुछ बट आप अगर कम्युनिकेट नहीं करोगे तो सामने वाला समझने नहीं वाला, एंड फिर आप उस पर अपसेट नहीं हो सकते हो कि मेरी एक्सपेक्टेशन थी सर में मेरे दिमाग में बट उन्होंने बताया ही नहीं मेरे को। तुमने समझा नहीं और तुमने फिर अच्छा उस पर एक्शन नहीं लिया है उस वो वाला, तो आई फील इवन अगर स्टुपिडेस्ट चीज़ लगे बट आपको लगता है कि नहीं ये तो समझ जाना चाहिए, कभी कभी नहीं समझते, तो आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, ये मैं तेरे लिए नहीं बोल रही, मेरे को पता है यार, हैडी तो बहुत समझता है गाइज, मुझे सब कभी कभी कुछ नहीं बोलना पड़ता है, थैंक्स मैं यार। बस ऐसे करती हूँ <Just kidding. laughs>
ऑनेस्टली कभी कभी मुझे बताना भी नहीं पड़ता है और वो समझ जाता है बस इन जनरल के मैं अगर कभी लो फील कर रही हूँ या कभी. अच्छा मतलब कम्युनिकेशन अगर सही है तो परफेक्ट रह सकता है वो, उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी ना वैसा. एज इन बहुत सारी चीज़ें हैं बट आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स कम्युनिकेशन ही बहुत सारी चीज़ें सॉल्व भी कर सकता है. मतलब कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स इतनी लंबी खिंच जाती हैं जो कम्युनिकेशन से सॉल्व हो सकती थी बट वो लंबी खिंच जाती हैं मेरे क्योंकि हिसाब से है कंसिडर करना सामने वाले की सीन, मतलब मेरे हिसाब से वो मेन चीज़ ट्रू. है. कंसिडर नहीं करोगे अगर तुम, तो तुम नहीं कभी भी वर्क नहीं कर पाएगा, फिर कम्युनिकेशन वगैरह कुछ लेना देना नहीं होगा. अगर तुम बिना बोले बिना कम्युनिकेट करे कंसिडर कर लोगे, या फिर ऐसा कर लो ये कि अगर मैं उसकी जगह होता इस जगह इस सिचुएशन में तो मैं क्या करता, जबकि मुझे पता है वो कैसी है, तो वो क्या कर रही है और वो क्यों कर रही है उस वे में. सो जब तक ये तुम नहीं समझ पाओगे दुनिया को, मतलब इन द एक दो लोग के बारे में, कि हमें कंसिडर करना है कि वो उनकी सिचुएशन क्या थी और हमें अपने आप को उस जगह पर रख के देख के सोचना है, फिर हमें डिसाइड करना है कि अब हम गुस्सा हैं या फिर अब हम अंडरस्टैंडिंग है या फिर अब हमें लगता है कि नहीं कुछ गलत हुआ है कुछ सही हुआ है या फिर जो है ठीक है या फिर वो ऐसा. तो मेरे हिसाब से कंसिडरिंग उसकी सिचुएशन सामने वाले की वो ज़्यादा, मतलब उसके अलावा कुछ नहीं है वर्क करने के लिए दो मुझे चीज़ों एक में. बस इंस्टेंस याद आया इसलिए मैं थोड़ा बट इससे मुझे और एक चीज़ ऐड करनी थी इज़ टू डू स्मॉल स्मॉल थिंग्स लाइक इफ़ यू नो ये अच्छा लगता है उनको तो आई थिंक अ लॉट ऑफ द टाइम्स स्मॉल जेस्चर्स लाइक लिटिल लिटिल थिंग्स आर मच मोर अप्रिशिएटेड. अगर वो इफ़ योर पार्टनर इज नॉट इवन टेलिंग यू दैट दे अप्रिशिएट इट दे डू इंटरनली ऑल्सो लाइक उनको अक्नॉलेज कर लेते हैं सामने वाले भी कि हाँ इसने ये छोटी सी चीज़ की है मेरे लिए जो बहुत क्यूट है बिकॉज दैट मीन्स कि वो अटेंशन दे रहे थे मुझे जब मैं बात कर रही थी और उन्होंने वो छोटी सी चीज़ सुनी है वट एवर. आई थिंक फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मेरा बेड बहुत ही क्लीन चाहिए तो इट माइट नॉट कम नेचुरली टू एडी ऑल्दो उसको भी बेड क्लीन चाहिए होता है और साइड टेबल्स. हाँ बट ही टेक्स दैट एंड उसको बहुत वैसा है कि अगर उसका खुद का बेड होता मुझे पता है कि वो इतना नहीं करता इतना केयरफुल नहीं रहता थोड़ा बहुत गिर के चीजें चलेगा बट क्योंकि वो मेरा बेड है बहुत ज्यादा केयरफुल रहता है और अगर मेरे को बहुत क्यूट लगा है कि मैं बोल रही हूँ ये बात तो तेरे को कट करना होगा तो कर लेना पर मुझे बहुत क्यूट लगा कि जब भी मेरे घर आता है वो कि जब भी मेरे घर आता है और ये वॉशरूम जाएगा तो ये टिश्यू से भी पूरा क्लीन वीन करके सब वो पे अटेंशन करेगा क्योंकि मैं बट ये मैं मतलब ये तो बेसिक मैनर्स है नहीं ना, है बेसिक मतलब नहीं करते सब ये मेरे को मम्मी ने सिखाया है ये सब बचपन में यार, कि तुम अगर हम अगर एक एक लड़की और तुम सेम वॉशरूम यूज कर रहे हो तो तुम्हें साफ रखना है उसे, सो स्वीट वो तो नहीं है ये नॉर्मल. सब में एटिकेट्स थैंक्स मम्मी यार, मैनर्स थैंक यू मम्मी. सच में. तो ये तो नॉर्मल, मतलब ये सब मैं नॉर्मल किसी के लिए भी करता है इन द सेंस, बट हाँ मेरे को पता ओ आई कि थॉट आई वाज हाँ स्पेशल मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, बट ऐसा है कि मैं इतना ध्यान नहीं देता, बट मैं ऐसे इन जनरल ऐसा ही हूँ, मतलब मैं ये सब कर देता हूँ चाहे, मतलब मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि हाँ ये मैं सिर्फ मतलब. रिलेशनशिप के लिए नहीं बोल रही ये इन जनरल बोल रही हूँ सबको प्लीज वॉशरूम अपना साफ रख. मुझे वॉशरूम से कुछ है और बेड से अगर बेड गंदा हो अपनी बेस्ट मेमोरी बता मेरे साथ. आई थिंक रोज हर दिन तेरे लिए बेस्ट होता है, क्या बोल रही है. दैट्स डिफिकल्ट बट मसूरी अच्छा हमारी अंडर कवर ट्रिप वो मजा आया फन मुझे तो था यार, बहुत. फन तो था. आई थिंक सॉरी नो ऑफेंस बट मेरे को खाना बहुत जरूरी होता है. लाइक गुड फूड वो मेरी कोई भी मेमोरी पे आइसिंग ऑन द केक. बट हाँ मसूरी बहुत मेरे को बिकॉज रोड ट्रिप बहुत फन था. मेरे को रोड ट्रिप्स इन जनरल बहुत ऐसा लगता है कि कैसे टाइम स्पेंड बास्ट होने वाला है हाँ बट वो रोड ट्रिप बहुत फन था दोनों कमिंग गोइंग एंड फिर जस्ट एक्सप्लोर भी करना इन जनरल.
आई थिंक वो हमारा फर्स्ट ट्रिप था बाय आवरसेल्व्स। आई थिंक सो, यस। हाँ मतलब आई थिंक हाँ। एंड उससे पहले मुझे एक्सपेक्ट क्या करूँ नहीं पता था, तो वो बहुत अच्छा सरप्राइज था। ओके तो एंड तक आते आते मेरी बहुत तारीफें हो गई है, तो मैं बहुत खुश हूँ। इसने मुझे एक्चुअली पॉडकास्ट पे सिर्फ इसलिए बुलाया था कि मेरी तारीफ करनी है ऐसा नहीं तुम्हें। यार, मैं चाहता था लोग भी थोड़ा बहुत जाने के हम कैसे हैं इंटरनल, मतलब थोड़ी थोड़ी बातें हम भी फन फन की करें और अपनी करें, तो क्योंकि मेरे को बहुत लोग पूछते रहते थे, पर मेरे को ये था कि एकदम ऐसे कहानी की तरह बैठ के बताना नहीं है, तो हम ऐसे थोड़ी फन आओ कॉन्वर्जेशन बच्चों के। सुनाए तुम्हें हाँ हमारी तो वो नहीं करना था कहानी। मेरे को, तो मेरे को था ऐसे फन कॉन्वो के अंदर थोड़ी अगर बातें निकल जाए, पता लगे ऐसा सब थोड़ा थोड़ा, तो फिर सही हो जाएगा। बट अगर तेको थोड़ा ठीक चांस है। देता हूँ मैं कि तेको कुछ पूछना है तो पूछ सकती है मेरे से एक दो क्वेश्चन। मेरे को पूछना नहीं है बट मुझे सजेशन देना है कि तुझे कॉफी विद करण जैसे वॉक रखना चाहिए स्टार्ट में। थोड़ा वार्म अप हो जाता है सब लोग, और सब लोग आउटफिट को लेके अपने एक्साइट होंगे। अभी थोड़ा बजट थोड़ा कम है, तो थोड़े टाइम बाद देखते हैं। हाँ आई मीन फॉर द फ्यूचर, यस, नोटेड नोटेड। तब मैं फिर से आऊंगी ऑब्वियसली जब वॉक कर। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। बस यही है मेरा सजेशन। बस कुछ पूछना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस हो गया। पूछना नहीं है मेरे को, मैं सो क्वेश्चंस प्रिपेयर करके नहीं आई हूँ अबे यहाँ मतलब पे। मैं तो बोल रहा था, तो कल को मुझे ये ना बोले ना कि तू ही पूछता गया मेरे से, मुझे एक चीज़ नहीं पूछ रही, तो मैंने कहा एंड में पूछ लेता हूँ व्हाट कुछ डू यू मीन है कल को? कल को, मतलब अभी बाहर निकलते यहाँ से। उससे नहीं पूछा यार मैंने कि तेरे कुछ मन में है बात तो पूछ ले, पूछूंगी वरना तू मैं। ये जितना मर्जी कर ले ऐसे आंखें दिखा के ये सब मेरे को नहीं लगता, ऐसे डर इसकी शक्ल घर देखो जाके एक बार। सोचोगे? नो अभी मैं थोड़ा जेट लैक्ड 7 दिन होने वाले आए हुए, जेट लैग। यार बहुत डिफिकल्ट है वापस आना, इतना डिफिकल्ट क्यों है? जाती तो मैं ऐसे क्योंकि मेरे को था शायद रूटीन था वहां पे। बट तेरी कोई ऐसे विश लिस्ट है जो तू चाहता है कि कोई सेलिब्रिटी हो जो तेरे पॉडकास्ट पे आए? मैं चाहता हूँ कि जे कोल आए, अरे सीधा मैं चाहता हूँ इंटरनेशनल शाहरुख खान आए, शाहरुख खान और आएगा तो मैं आ सकती सेट पे। मेरे देखते हैं। पास कोई बोनस एडवांटेजेस नहीं है। नहीं बिल्कुल आ सकती है, पूछने की बात ही नहीं है, और तो कोई नहीं यार। जब शाहरुख खान आएगा तो मैं पॉडकास्ट कर सकती हूँ उसके। साइड में बैठी रही हो मुझे वो। अच्छा मैं नोट्स ऐसा ऐसे मेरे को लिखूंगी। बताते रहिए ऐसे नीचे, फिर मैं बिल्कुल भी पूछता नहीं। रहूँगा, ठीक है। मेरी को लिस्ट में और कोई नहीं है, दो ही लोग हैं बस, बाकी जो है तो मोस्ट वेलकम है, मैं तो बहुत ही खुश होऊंगा कोई भी आए, अच्छा बट दो ही नाम है मेरे पास सिर्फ। ओके। हम आ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड जैसे कि तुझे पता है कि ओडासिटी एपिसोड मेरे पॉडकास्ट का नाम, सो आपको ओ मेन क्वेश्चन भी पता होगा कि मैं क्या पूछता हूँ सबसे लास्ट में, या पर मैं फिर से बता देता हूँ कि ऐसा कुछ है जिस जो आपको किसी को कुछ बोलना है बट आप नहीं बोल पा रहे हो ड्यू टू सम रीज़न, कि आप मतलब आपका मन नहीं है, आप इतनी ऑडासिटी नहीं है आपको कि उनके मुंह पे बोल पाओ वो बात। मेरे में तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं लीस्ट कन्फ्रंटेशनल पर्सन हूँ। तो कुछ बढ़िया मेरे बोल को दे किसी के अगर बारे कुछ में। अंदर से किल भी कर रहा होगा तो मैं करने दूंगी। मैं किसी को कुछ नहीं बोलती बट मेरे लोगों को बोलना है कि अपनी रियल आईडी से आओ ना, अब आया ना मतलब। बाहर तो अंदर से जो भी है, मैं तभी बस बोल रहा था कि बोलना बस कुछ मैंने इतना ही बोला यार, अपनी रियल आईडी से आओ ना यार, रियल आईडी से आओ। और कुछ नहीं बोला। अपनी रियल आईडी से आओ यार, चलो ठीक है। ओके गाइस थैंक यू सो मैं मच, टी शर्ट बनाऊंगी अपनी अपनी रियल आईडी से रियल आना। आईडी से आओ ना। सो तेरी फेक आईडी है बता दे सच नहीं को। मेरी कुछ नहीं है, वैसे ही 4 अकाउंट संभाल रहा हूँ, मेंटल दिमाग खराब हो जाता है मेरा तो वैसे ही। मैं चार कुछ अकाउंट? ओडासिटी और अच्छा एटीवी एटीवी गेमिंग अपना अकाउंट, वाओ मैन। तो नहीं मेरी कोई फेक आईडी नहीं है, फेक आईडी करके क्या ही करना है वैसे, वो फेक बोलना है, नहीं बोलना किसी को कुछ मेरी भी तो नहीं नहीं है, बोलना, बोलना है तो फिर अपनी आईडी से बोल दो। मैंने कभी नहीं बनाई है। नहीं बनाई है मैंने, मैंने यूट्यूब वीडियो बनाया था एक, उसके लिए वो बनाई
कि जब इसमें तुमने फैन पेज के ग्रुप्स में घुस गई थी वैसे उस आईडी पे, आईडी से सब याद है। फिर बस सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लिसनिंग टू द पॉडकास्ट, एंड आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन आशना यहाँ पे आने के लिए, मीन्स अ लॉट, माय प्लेजर, मीन्स अ लॉट। चलो होलो होलो, चलो होलो यार, अब आप भी होलो होलो। Bye.